आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में राज्य की सबसे हॉट सीट बनी डोईवाला विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस को प्रत्याशी के चयन में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूदा समय में डोईवाला से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने 2022 का इलेक्शन लड़ने से इनकार किया, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान को प्रत्याशी चयन में काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने डोईवाला विधानसभा से 27 जनवरी तक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। हालांकि अब बीजेपी ने डोईवाला से बृजभूषण गैरोला को प्रत्याशी बनाया है। गैरोला त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी दीप्ति रावत को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में थी और पार्टी के कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई भी देने लगे थे, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के बाहरी प्रत्याशी के विरोध के बाद पार्टी को बृजभूषण गैरोला को प्रत्याशी बनाना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं डोईवाला विधानसभा के इतिहास पर। डोईवाला विधानसभा राज्य गठन के बाद से बीजेपी का गढ़ रही है। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत जीते। 2012 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डोईवाला से जीत दर्ज की। अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने डोईवाला विधानसभा को 3 बार जीता है और निश्चित ही बीजेपी इस बार भी जीत का एक क्रम बरकरार रखना चाहेगी। शायद यही वजह है कि पार्टी को प्रत्याशी के चयन में काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी डोईवाला में प्रत्याशी के चयन में काफी उलझी रही। कांग्रेस ने पहले डोईवाला विधानसभा से मोहित उनियाल को टिकट दिया था, लेकिन नॉमिनेशन से पहले प्रत्याशी बदलकर डोईवाला से मोहित की जगह गौरव चौधरी को टिकट दिया है। पार्टी ने गौरव चौधरी पर मोहर लगाकर युवा चेहरे पर दांव खेला है। गौरव चौधरी की युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही वो पार्टी के जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी जिला पंचायत की भी सदस्य है। देखना होगा कि इतनी माथापच्ची के बाद डोईवाला में इस बार कौन बाजी मारता है। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।